गुड मॉर्निंग एवरीवन तो जैसा कि हमने कोशिश किया था कि हम लोग रोजाना एक चैप्टर बॉटनी का रिवाइज करेंगे काफी कम है तो हमारा कोशिश होगा कि रोजाना एक चैप्टर बॉटनी का लेंगे और विद इन वन आवर यानी मैक्सिमम हमारा लिमिट होगा एक घंटा एक घंटा में एक चैप्टर का हम रिविजन करेंगे तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि आपके बॉटनी का सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं तो जेनेटिक्स का वेटेज हो जाएगा आपको टू मिनिमम क्वेश्चन तो आने ही आने ना, और जेनेटिक्स से मिला जुला होगा मोल बायो का यानी मोलिकुलर बेसिस का ना तो जिससे भी सिक्स टू एट क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे और ये दोनों चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो यानी कि बायोटेक आसान हो जाएगा जिससे दस क्वेश्चन आएंगे यानी टोटल वेटेज इन तीनों को हम मिला करके करें तो पहले वाले में हम कोशिश यही करेंगे इन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को अच्छे से करें कि हमारा हंड्रेड परसेंट मार्क्स इससे आ जाए और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि विद इन टाइम लिमिट ना यानी कि हम अगले तीन घंटे में हम तीनों चैप्टर यानी चार चैप्टर हो गए बायोटेक के दो जेनेटिक्स एंड मोल बायो के चारों चैप्टर कवर करें और अच्छे स्कोर करने की कोशिश करेंगे फिर प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे फिर प्लांट डाइवर्सिटी पे जाते हैं चलिए तो सबसे पहले अगर आपको जेनेटिक्स में बातें करना है तो सबसे पहले आपको मेंडल के अराउंड में आपको चीजें समझना पड़ेगा देखिए सबसे पहले आपसे हिस्ट्री वाले पार्ट में आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल का बर्थ कब हुआ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आप एक समझ सकते हो जेनेटिक्स को क्योंकि 1822 इनका बर्थ का टाइमिंग है यानी आज से लगभग 200 साल पहले ना लगभग और मिंडल का एक्सपेरिमेंटल का ड्यूरेशन पूछेंगे तो आप सभी को एनसीईआरटी खोल के देखना पड़ेगा आप तुरंत जाइए एनसीईआरटी को चेक कीजिए सेवन ईयर का 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 एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा कब से से कम नीट का पेपर क्वेश्चन का बन चुका है है 1856 से 1863 ये बड़ा इंपॉर्टेंट काी में पीवाई क्यू में ये क्वेश्चन आ चुका है चलिए फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो भी मिंडल ने वर्कआउट किया तो किस प्लांट पे किया तो मेरे में से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं पी प्लांट होगा इसका आंसर इसमें लेकिन कंफ्यूज मत करना कि स्वीट पी से क्योंकि स्वीट पी पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया है स्वीट पी पे किया था बैट्सन एंड प्यूनेट ने वो लिंकेज को लेकर के किया था जिसे आप कपलिंग एंड रिपल्शन के नाम से जानते हैं लेकिन मिंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो एकदम एग्जैक्टली आप याद रखिएगा गार्डन टी में ना कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूज कर देते गार्डन टी एंड स्वीट पी तो बच्चे को लगता है कि हमने पी तो पढ़ा है लेकिन गार्डन टी एंड स्वीट पी में कंफ्यूज है गार्डन पी का आप साइंटिफिक नेम याद रखिएगा इट इज अम सताइवन जो सबको बच्चों को मालूम भी है फिर आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी कैरेक्टर हाउ मेनी द ट्रेट तो एकदम क्लियर कट आप याद रखिएगा हाउ मेनी द कैरेक्टर इज द सेवन कैरेक्टर एंड हर कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे यानी फोर्टीन ट्रेट एंड सेवन सेवन कैरेक्टर फोर्टीन ट्रेट अब यहां पर आप याद रखिएगा कि सर यहां पर से आपको कुछ कंफ्यूज करेंगे कि जो ट्रेट येल्लो कलर के वो कैसे थे और ग्रीन कलर के कैसे थे यहां पर से अच्छा खासा क्वेश्चन बन चुका है तो याद रखिएगा जो येल्लो वाला ट्रेट है वो डोमिनेंट वाले में भी और रिसेसिव वाले में भी याद कीजिए जब आप पॉड के कलर के लिए जाइएगा पॉड के कलर के लिए जाइएगा तो जो होगा रिसेसिव होगा लेकिन मटर के सीड के लिए जाइएगा तो येल्लो डोमिनेंट होगा इसी तरह से ग्रीन पॉड के कलर के लिए जाएगा तो ग्रीन डोमिनेंट लेकिन सीड के कलर के लिए जाएगा तो ग्रीन होगा रिसेसिव तो मैंने आपको एक ट्रिक दे ही रखा होगा ऑलरेडी टायर गीका करके जिसमें मैंने ये जो भी टायर घी का वर्ड यूज किया ये सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट के लिए टॉल येलो राउंड ग्रीन कलर कलर मतलब वायलेट एंड एक्सियल तो ये तो आप सेवन रेसे खुद से आप लिख लीजिएगा ठीक है कैरेक्टर पे तो बहुत ही आसान है कि देखिए मिंडल ने जो वर्कआउट किया एक तो लिया प्लांट के हाइट को दो उन्होंने लिया फिर से कौन सा लिया तो एक लिया सीड के कलर सीड के शेप को फिर उन्होंने लिया पॉड को पॉड के कलर एंड पॉड के सेप को लिया फिर उन्होंने लिया फ्लावर के कलर फ्लावर के कलर एंड फ्लावर के पोजीशन फ्लावर सेप नहीं यानी दो बातें सीड के सीड के सेप और कलर के ऊपर में दो बातें यानी पॉड के ऊपर में दो बातें पॉड का कलर पॉड का सेप एंड फ्लावर पे दो बातें फ्लावर का कलर एंड फ्लावर का पोजिशन और एक हो गई हाइट चलिए मेंडल का जो भी एक्सपेरिमेंट था जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए मोनोहाइब्रिड किया मोनोहाइब्रिट किया पब्लिश किया जाता है लेकिन मेंडल की ये जो भी बातें वो अनरिकॉग्नाइज रह जाती है यानी सिंपल से भाषा में कहें कि लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया ना दे आर रिजेक्टेड अगर आप बोल सकते हो कि अनरिकॉग्नाइज है रिजेक्टेड है चलेगा लेकिन इसके रीजन क्या थे तो आप एक एनसीआरडी जब पढ़ेंगे तो पूरा एक पेज इस पे कवर करता है उसके कई सारे रीजन दिए गए जिसमें सबसे पहला रीजन दिया गया पब्लिकेशन का यानी कम्युनिकेशन लोगों तक इनके एक्सपेरिमेंट पहुंचा ही नहीं तो जाहिर सी बात है रिकॉग्निशन मिलने का सवाल ही नहीं है दूसरा उन्होंने मैथमेटिकल टर्म्स काफी ज्यादा यूज किए जब भी आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स तो आपको मैथमेटिकल टर्म्स प्रोबेबिलिटी स्टैट्स बहुत मिलेगा एक कंफ्यूजन था क्योंकि पहली बार बायो के फील्ड में कोई मैथोमेटिक्स वर्ड यूज कर रहा था तीसरा कि मेंडल कुछ बातें बोलते थे फैक्टर्स को लेकर के कि फैक्टर्स स्टेबल, फैक्टर्स आर आर द द स्टेबल डिस्क्रीट और फैक्टर कभी भी ब्लेंड नहीं करेगा मिक्सिंग नहीं करेगा तो ये लोगों को समझ भी नहीं आता एनसीआरटी में आप लेकर कॉन्टेम्प्री साइंटिस्ट उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि दो आप ट्रेड्स को मिक्स करेंगे तो आपस में ब्लेंडिंग हो जाएगा उनका फिनोटाइप मिक्स हो जाएंगे मेंडल इसके अगेंस्ट थे ना, तो अब फोर्थ बात है कि मिंडल कभी भी ये प्रूफ नहीं कर पाए कि उनका जो फैक्टर्स था वो एक्चुअली में था कहां लोकेटेड ठीक है मिंडल को हम जान रहे हैं। लेकिन मिंडल कभी बता नहीं पाए कि आखिर वो फैक्टर किस पार्ट में है, वो प्लांट के किस पार्ट में किस जगह पे जाहिर सी बात है ये वो टाइम था ना दुनिया में अभी 1865 की बात है ना दुनिया ने अभी तक डीएनए नाम का चीज सुना ही नहीं क्यों डीएनए का नाम कब सुनेंगे 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने किया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में आया तब तो लोगों को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन के बारे में पता चला तो मेंडर उस जमाने में इस जीन यानी फैक्टर्स के बारे में बात कर चुके थे अभी तक क्रोमोजोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी याद करिएगा क्रोमोजोम की डिस्कवरी नाइनटीन के आसपास होता है और ना मियोसिस मालूम है ना माइटोसिस मालूम है यानी मेंडल का जो भी एक्सपेरिमेंट है बिना मियोसिस बिना माइटोसिस बिना क्रोमोजोम बिना जीन बिना डीएनए के डिस्कवरी का हो चुका था ना तो कई सारे बातें हैं कि मेंडल के अनिकॉग्निशन होने के लेकिन बाद में हमें मालूम है कि 1884 में डेथ होता है डेथ इज नॉट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइम इज द नाइनटीन जब आप सभी को मालूम होगा कि

अलग अलग कंट्री के थे हालांकि में कंट्री का नाम मेंशन नहीं किया है मैं तीन अलग अलग प्लांट पे काम कर रहे थे हालांकि पे मेंशन भी नहीं है है वो 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 ठीक कुछ मार भाई कर रहे थे वो प्लांट पे कर रहे थे लेकिन हाँ ये जानने की जरूरत नहीं अब जब दुनिया के सामने में मंडल के वर्कआउट को लाया गया और मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट थे मोनोहाइब्रिड के डायहाइब्रिड के बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस ये सारा चीज लोगों ने एक्सेप्ट किया लेकिन अब मेंडल के ऊपर में जो भी रेशियो आपसे पूछे जाएंगे आप केवल मोनोहाइब्रिड का रेशियो याद रखेगा कि मोनोहाइब्रिड का कितना रेशियो आएगा थ्री टू वन अब डाहाइब्रिड में थ्री टू वन का आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो नाइन थ्री थ्री वन आ जाएगा और अगर आपको ट्राईहाइब्रिड पढ़ना है तो थ्री टू वन का क्यू कर दीजिएगा यानी आपको ट्राईहाइब्रिड से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि एनसीआरटी ने कहीं भी ट्राईहाइब्रिड मेंशन नहीं किया है तो आपसे मोनोहाइब्रिड और डाहाइब्रिड पे पूछा जा सकता है

फिनोटाइप टॉल एंड थे लेकिन टू अपने तो पर पावर टू आपने देखा होगा कि ड्राइब्रिड पड़ा होगा तो वहां पर सबको राउंड के साथ येलो राउंड के साथ ग्रीन वहां पर रिंकल के साथ येलो रिंकल के साथ ग्रीन चार तरह के फिनोटाइप दिखे होंगे ड्राइब्रेड में पर पावर थ्री के आपको दिखे होंगे जो जानने की जरूरत नहीं इसी तरह से कितने तरह के जीनो टाइप बने तो उसका फॉर्मूला दिया होगा थ्री पे पावर एन मोनोहाइब्रेड आपने पढ़ा तो वन वैल्यू रखेंगे तो थ्री पे पावर वन कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा यहां देखिए यहाँ पर तीन तरह के आपको फिनोटाइप बनते हुए दिखे होंगे अगर आपको मोनोहाइब्रिट याद है तो इसी तरह से डायब्रिड में आपको कितने दिखेंगे थ्री पे पावर टू नाइन टाइप्स के आपको जीनो टाइप बनते हुए दिखेंगे ट्राइब्रिड में थ्री पे पावर थ्री ट्वेंटी सेवन टाइप्स के आपको जीनो टाइप बनते हुए आपको दिख जाएंगे

या प्रिंसिपल है बाद में लॉ में कन्वर्ट हुआ तो मेंडल का लॉ मेंडल ने खुद नहीं दिया मेंडल ने तो पॉस्टुलेट या प्रिंसिपल वर्ड यूज किए थे बाद में जाकर के कार्ल कॉरेंस ने उसे लॉ में कन्वर्ट किया तो यहां पर दो बातें मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आता है पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर दो तरह के दो तरह के फैक्टर एक साथ है दो तरह के फैक्टर्स यानी कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को छुपा देगा इसलिए यहां पर एक्सप्रेशन केवल टॉल वाले ट्रेड का आएगा ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी एफ वन में टॉल इनटू डॉफ जब किया था एफ वन में टॉल का आना किस चीज को प्रूव करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है मतलब मेंडल का लॉ कोई गलत नहीं है वो सारे बोलते बोलते मेंडल का लॉ गलत नहीं मेंडल का लॉ गलत कोई भी लॉ नहीं है ना मिंडल का लॉ सब जगह अप्लीकेबल नहीं हो सकता हो सकता लॉ ऑफ डोमिनेंस कुछ जगह पे अप्लीकेबल नहीं है जैसे फोर ओ क्लॉक प्लाइन में मीरा जिला में आपने पढ़ा होगा जहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखता है कहीं पर आपने पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप में को डोमिनंस दिखता है तो मिंडल का लॉ गलत नहीं ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं है इसलिए हम इसे यूनिवर्सल नहीं मानेंगे ड्यू टू, टू टूरिज्म एक हो जाएगा को डोमिनंस एक हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिन अब एनसीआरटी तो ने एक और वर्ड लिखा है कि मेंडल मानते थे हर चीज को करने के लिए फैक्टर होगा फैक्टर्स पेयर में होंगे एनसीआरटी पढ़िए हर चीज को कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स है फैक्टर्स क्या है पेयर में जैसे कि कोई प्लांट है तो प्लांट टॉल को कंट्रोल करने के लिए कोई फैक्टर है वो फैक्टर्स ये देखिए में इसी तरह से डॉर्फ है डॉर्फ को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स है और फैक्टर्स क्या है, भाई? पेर में है। जब दोनों करेंगे, तो एक फैक्टर डी और ये टॉल बन जाएगा इसे एनसीईआरटी तो ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ साथ पेयर्ड फैक्टर को भी डिस्कस किया है चलिए अब सेकंड एनसीईआरटी ने बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये देखिए ये इसमें कोई भी कोई भी रिजेक्शन की सवाल ही नहीं लॉ ऑफ

गैमेट्स में फैक्टर्स एक दूसरे से अलग हुए होंगे इसी को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये यूनिवर्सल ये सब जगह है कुछ लग, बच्चे बोलते हैं सर कुछ बुकलेट में लिखा है कि डिसजंक्शन जहां होगा वहां पर प्योरिटी ऑफ गैमेट काम नहीं करेगा लेकिन वो तो रेयर ऑफ द रेयर है वो तो एक्सेप्शन है उसको रिजेक्ट कीजिए उसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन आएगा क्या प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है आप बोलेगा यस ये यूनिवर्सल रूल है चलिए तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लेकिन इसके लिए हमें डायब्रिट क्रॉस करना पड़ेगा तो मेंडल ने डायब्रिट क्रॉस करने से क्या प्रपोज किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ना तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले चलिए तो अब मेंडल के ऊपर में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आसानी से आपको सॉल्व हो जाना चाहिए ना कि मेंडल ने किस प्लांट पे काम किया ये आप सबको आता होगा एक्सपेरिमेंट का टाइमिंग कब था ये आप सबको क्लियर होगा मेंडल के वर्कआउट अनरिकॉग्नाइज कितने सालों के लिए रह गए ईयर क्योंकि 1965 में पब्लिश हुआ लेकिन लोगों तक तो पहुंचा नहीं रिडिसकवरी हुआ नाइनटीन हंड्रेड में थर्टी फाइव ईयर तक ये छुपा हुआ रहा अल्टीमेटली मेंडल बस को हमने एक्सेप्ट किया और उसे तो हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानी जा रही अब यहां पर सबसे पूछा जाएगा कि मेंडल के बाद में कुछ जेनेटिक्स स्टार्ट होते हैं जिसे हम लोग कहेंगे पोस्ट मेंडेलियन जेने, जेनेटिक्स पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो तो आप सबसे पहले वहां पर पढ़ लेंगे इनकम्प्लीट ऑन देखिए पोस्ट मेंडेलियन कहने का मतलब मेंडल के वर्कआउट के बाद मेंडल के वर्कआउट रिडिस्कवर दुनिया के सामने आया नाइनटीन में इसके बाद में जो नई चीजें जेनेटिक्स के बारे में पता चला इसे कहेंगे पोस्टमेंडेल एंड जेनेटिक्स जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बच्चा आप ध्यान से रखिएगा केवल और केवल आप एग्जाम्पल पे फोकस कीजिएगा जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो पे फोकस कीजिएगा यहां पर बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चलता है कि फोर ओ क्लॉक प्लांट के अंदर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है ये गलत नहीं लेकिन फोर ओ क्लॉक प्लांट केवल फ्लावर कलर में होता है हाइट में नहीं होता सीट सेप में नहीं होता सीट के साइज में नहीं होता किसी में नहीं होता केवल और केवल फ्लावर के कलर में होगा रेड को व्हाइट से करेंगे तो पिंक बनेगा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हो गया ना अगर हाइट का पूछे तो कंप्लीट डोमिनेंसी करेगा फोर ओ क्लॉक प्लांट तो यहां पर मैंने एक ट्रिक दिया होगा फोर ओ क्लॉक मॉर्निंग यानी फोर ओ क्लॉक प्लांट इसी का दूसरा नाम मेरा प्लेस जला फिर मैंने तीन आपको नाम मेंशन किए होंगे सैड स्नैप ड्रैगन द डॉग फ्लावर ये भी प्लांट के फ्लावर जो है वो आपको इनकम्प्लीट शो करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब रेड को व्हाइट से करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर को पूरी तरह से छुपाएगा नहीं और यहाँ पास दोनों का फिनोटाइप मिक्सिंग हो जाएगा तो इसे हम लोग कह सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो कहते हैं ब्लेंडिंग फिनोटाइप भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों का फिनोटाइप मिक्सिंग हुआ ठीक है अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एफ टू का फिनोटेपिक जीनोटेपिक रेशियो तो याद रखिएगा जेनेटिक्स में तीन बार ऐसे मैं पढ़ाऊंगा जहां पर फिनोटेपिक रेशियो जीनोटेपिक के इक्वल आ रहा है जैसे आपने टेस्ट क्रॉस पढ़ा होगा तो वहां पर फिनोटेपिक और जीनोटेपिक दोनों एक वन तो वन आएंगे पीआर यानी फिनोटेपिक रेशियो इक्वल टू जीआर आया होगा

ना कि दोनों पेरेंट का गुण आ जाना दोनों पेरेंट का गुण आ जाना जैसे आपने पढ़ा होगा कोट कलर ऑफ द स्किन द कैटल्स कि अगर रेड कलर को हम लोग क्रॉस करेंगे व्हाइट कलर से क्रॉस करेंगे तो रोन टाइप बन जाएगा यानी यहां पर रेड वाला भी आ जाएगा व्हाइट वाला भी आ जाएगा तो दोनों पेरेंट का गुन आना वो डोमिनेंस दोनों पेरेंट का गुण ना आना इट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनंस और एक पेरेंट का आना इट इज अ मेंडेलियन डोमिनेंस ये सबसे आसान तरीका आपको याद करने का हो सकता है चलिए आप यहाँ पर एक नहीं कीजिएगा इनकम्प्लीट डॉमिन दिया है जो 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 आपके मटर मटर के ए, के के बनेंगे बनेंगे उसका उसका अंदर अंदर में जो starch बनेंगे, उसका size बड़ा होगा या छोटा होगा तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर दो कैपिटल भी है तो स्टार्च ग्रेन बड़े साइज के बनेंगे स्मॉल भी स्मॉल बी है तो स्टार्च ग्रेन छोटे साइज के बनेंगे यहाँ बड़ा बना अगर दोनों को क्रॉस करेंगे तो कैपिटल भी स्मॉल बी बनेगा

को ए मेंडेलियन डोमिनेंस यानी कंप्लीट डोमिनेंसी मिलता है साथ साथ मुझे को बनाइएगा तो एक बार तो नीट ने क्वेश्चन भी पूछा था ब्लड ग्रुप में कैसा डोमिनेंसी मिलेगा तो आंसर बोलिएगा बोथ अगर पूछा ए बी ब्लड ग्रुप कैसा करेगा तो को डोमिनेंस अगर पूछा ए बी ओ ब्लड ग्रुप यानी टोटल जितने तरह के ब्लड ग्रुप है उसमें क्या कैसा डोमिनंसी होगा तो कंप्लीट एंड को दोनों आंसर कीजिएगा

मल्टीपल का एग्जांपल है करेक्ट ब्लड ग्रुप के तीन है? ये करेक्ट बात है क्या ब्लड ग्रुप के अंदर कंप्लीट डोमिनेंसी होती है करेक्ट है क्या ब्लड ग्रुप को करता है करेक्ट है ब्लड ग्रुप में छह तरह के जीनोटाइप है करेक्ट है ब्लड ग्रुप में चार तरह के फीनोटाइप है करेक्ट है ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो नाइन्थ क्रोमोसोम पे करेक्ट है क्या ये क्या ये जो ब्लड ग्रुप है वो ऑटोजोमल है यानी ऑटोजोम से कंट्रोल हो रहा है हाँ, नाइन्थ से अगर पूछा जाएगा क्या ब्लड ग्रुप के जीन शो करते हैं बोलिएगा नो क्योंकि ब्लड ग्रुप का जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल नहीं करता क्या ब्लड ग्रुप पॉलीजीन का एग्जाम्पल है बोलिएगा नहीं क्योंकि पॉलीजीन में बहुत सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं ऐसा नहीं होगा फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्लड ग्रुप के जो ए, एलील से एक इंसान में कितना होगा देखिए ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड है तो सब में दुनिया में जो भी इंसान है सबके अंदर में एलील कितने होंगे दो लेकिन में कितना होगा एक तो सर हमें तीनों एलील कहां मिले पॉपुलेशन याद रखिएगा अगर मुझे तीनों एलील स्टडी करना है तो मुझे एक इंसान नहीं पढ़ना पड़ेगा यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी पॉपुलेशन में स्टडी करना पड़ेगा एक इंसान के गैमेट में कितना एक और एक इंडिविजुअल जो कि डिप्लॉयड होता है जाहिर सी बात उसके अंदर में कितने होंगे दो होंगे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है उसे एक ही नोमेरिकल बनेगा ब्लड ग्रुप से कि अगर माँ बाप में किसी का ब्लड ग्रुप ए भी हो गया तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ ओ ही नहीं सकता अगर किसी भी माँ बाप में किसी का ब्लड ग्रुप मेल या फीमेल किसी का भी

चलिए अब इसके बाद में हम लोग चलेंगे कि मेंडल का मानना था कि एक जीन के दो ही एलील हो सकते हैं ना कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल आर स्मॉल है लेकिन बाद में पता चला कि एक जीन के दो से ज्यादा एलील हो सकते हैं एग्जांपल इज अ ब्लड ग्रुप लेकिन ये सारे के सारे जो एलील होंगे वो सेम लोकस पे होंगे आपसे पूछा जाएगा क्या वो सेम लोकस पे होंगे यानी देखिए ब्लड ग्रुप में जो जीन है उसके अंदर में म्यूटेशन हुआ एलील बने म्यूटेशन हुआ एलील बने तो सेम ही जगह पे तो म्यूटेशन होकर के नया एलील बनेगा दूसरी जगह पे तो होंगे नहीं तो इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है चलिए नेक्स्ट पूछा जाएगा कि मिंडल का मानना था कि एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करेगा लेकिन पता चला कि कुछ ऐसे जीन मिले जिसे हम लोग कहेंगे पीलियोट्रॉपिक जीन जो एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा आपके एनसीआरटी में गिवेन है ये बी वाला आपके एनसीआरटी में गिवेन है फिनाइल फिटोनिया याद कीजिए आपके एनसीआरटी आप याद कीजिए सीएसिकल एनीमिया भी है। ना तो यहाँ पर क्या होगा एक साथ वो सीड के सेप को और सीड के साइज को दोनों को कंट्रोल करेगा तो ये बी नाम का जीन सीड के सेप और साइज दोनों को कंट्रोल कर रहा है तो याद रखना है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वहां पे एक इंसिड बड़ा डिफिकल्ट लाइन है कि जो आपका इज नॉट ऑफ द जीन यानी कि अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है तो ये कैसा डोमिनेंसी करेगा ये जीन डिसाइड नहीं करेगा ये डिसाइड करेगा फिनोटाइप जो आप एग्जामिन कर रहे हो अगर आप सीड सेप के लिए लेंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी पे कंप्लीट डोमिनेंसी करेगा और सीड का सेप बनेगा राउंड लेकिन अगर आपने सीड साइज को एग्जामिन किया ना वही स्टार्च ग्रेन को एग्जामिन किया तो कैपिटल बी स्मॉल बी पे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी करेगा तो बनेगा इंटरमीडिएट साइज का तो एनसीआर में थोड़ा डिफिकल्टी है तो उसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा ना इसे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि मेंडल का मानना था कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर ऑफ जीन होंगे लेकिन पता चला कि नहीं कई बार एक से ज्यादा पेयर जैसे ए नाम का पेयर बी नाम के पेयर सी नाम के पेयर मिल करके किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं इसी को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आप एनसीआरटी देखें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपको दिख जाएंगे पॉली मतलब बहुत सारे बहुत सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हाँ जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके एनसीआरटी में ह्यूमन स्किन कलर हमारा मैक्सिमम कैरेक्टर जो है जैसे कि ह्यूमन हाइट हो गया ह्यूमन आईक्यू हो गया ह्यूमन स्किन कलर हो गया वो पॉलीजेनिक एग्जाम्पल होंगे पॉलीजेनिक में कुछ यादें रखना है कि जैसे मेंडल का मानना था हर कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होंगे या तो टॉल या तो डॉप या राउंड या रिंकल येलो या ग्रीन लेकिन पॉलीजेनिक में कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखेगा जैसे आप अपने घर में ही देखिए तो आपके घरों में ही आपको कई तरह के स्किन कलर दिख जाएंगे आपके घर में ही हाइट कई तरह के दिख जाएंगे आप गा का देख लीजिए कई सारे आपको हाइट वाले मिलेंगे क्या दो दो ही ही हाइट दिखते नहीं नहीं के स्किन कलर है है यानी आपको वेरिएशन दिखेगा फिर ने बोला है कि पर क्वांटिटी का इंपॉर्टेंट है यानी कितने डोमिनेंट है उतना ज्यादा मेलेनिन बनेगा एडिटिव इफेक्ट याद रखिए जितना डोमिनेंट उतना मेलेन छे डोमिनेंट है छे मेलेनिन बनाने वाले सारे एक्टिवेट हो चुके हैं यहाँ पर कोई भी Dominant नहीं नहीं है 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 कोई भी बनेगा बनेगा जब दोनों को को करेंगे तो तो है? है, तो बनेंगे पर देखिए कितने तीन ही melanin बनेगा। इसी हमने का होगा यहां पर देखिए वाले बन गए स्मॉल जो बने ये व्हाइट वाले बन गए तो आपको यहाँ पर जब रेशियो पूछा जाएगा तो याद रखना वन सिक्स ट्वेंटी

कितने होंगे दो डोमिनेंट वाले एक वाले, जीरो वाले होंगे। तो आपको एक रेशियो याद कर सकते हैं फिर एनसीआरटी ने मेंशन किया है कि यहां एडिटिव होगा, जितना डोमिनेंट हिल है यानी जीन है उतना ज्यादा एक्सप्रेशन होगा फिर एनसीआरटी बोला ऐसे जिनका एक्सप्रेशन अंडर द एनवायरमेंटल कंट्रोल होता है इनवायरमेंट इसे इन्फ्लुएंस करता है कि कितना ज्यादा एक्सप्रेशन होगा तो ये चीज याद रखिएगा यानी दो एक समान जीन डोमिनेंट जीन रखने वाले इंसान का हाइट अलग अलग हो सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट हमें से एक जीन से एक कैरेक्टर कैरेक्टर पॉलीजेनिक पता चला कि नहीं बहुत सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर कंट्रोल करेंगे इसी तरह से मैंने बताया था कि मेंडल का डोमिनेंस था कि अगर आपने दो पैरेंट को क्रॉस किया तो एपन में एक पैरेंट की तरफ फिनोटाइप बनेगा

इसमें याद रखिएगा जब भी आपको कोई भी सिंबल लिखा रहे तो पहले फीमेल का होगा बाद में मेल का होगा जैसे आप घर में बोलते हैं मम्मी पापा पापा मम्मी कम बोलते हैं माता पिता तो यहां पर देखिए आपको ऐसा सिंबल मिलेगा एक्स 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 वाई यानी ह्यूमन बींग में याद कीजिए ड्रोसोफिला में याद कीजिए इसी तरह से सेकंड याद रखिएगा ग्रास ऊपर में तो यहां पर होगा एक्स 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 जीरो ना। इसी तरह से तीसरे एनसीआर में दे रखा है आपको बर्ड्स होगा यहाँ पर जेड डब्ल्यू जेड जेड का दे होगा। पहले वाले में जो भी मैंने लिखा है, है। जहां पर दो तरह के गैमेट बनेंगे वो हेट्रोगेटिक होगा और जो वो सेक्स डिटरमाइन करेगा जहां पर एक ही तरह के सेक्स क्रोमोज होंगे वो होमोगेटिक होंगे वो सेक्स डिटरमाइन नहीं करते जैसे हुईटिक कौन है तो वो करता में में है इसी तरह से आप ग्रास ऊपर में देखिएगा तो एन जीरो है मेल में कभी वाले वाले बनेंगे बनेंगे तो कौन डिसाइड करेगा मेल वही जेंडर को डिसाइड करेगी फिर आपसे पूछा जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन में हनी बी का बताइए तो याद रखिएगा जो एप्लॉयड होंगे वो मेल होंगे जो डिप्लॉयड होगा फीमेल होंगे जो भी फर्टिलाइजेशन से बने वो फीमेल बनेगी और जो भी बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं बिना फर्टिलाइजेशन के बने वो मेल बनेंगे यहाँ पर दो बातें एनसीआरटी का याद रखिएगा कि यहाँ पर हैप्लॉयड डिप्लॉयड से सेक्स डिटरमाइन होता है और जो मेल है मेल है दे हैव नो सन बट दे हैव द ग्रैंडसन, बट दे मेल हैव नो फादर बट दे हैव ग्रैंडफादर, फादर मेल हैव नो सन बट दे हैव ग्रांड ठीक है तो ये चीज आप याद रखिएगा कि एनसीआरटी का ये लैंग्वेज है पूछाएगा यहाँ पे एक सीआरटी एक साइंटिस्ट का नाम मेंशन करेगा हेंकिंग जिन्होंने पहली बार एक्स क्रोमोसोम को देखा और इसी से दिमाग में लोगों का आया कि यहाँ पर सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कुछ स्पेशल क्रोमोसोम होते हैं चलिए इसके बाद में हम लोग बातें करेंगे एनसीआरटी में म्यूटेशन को लेकर के तो म्यूटेशन को एनसीआरटी ने तीन पार्ट में डिस्कस किया है अगर क्रोमोजोम के नंबर पे कोई बदलाव है क्रोमोजोम के नंबर पे लेकर के कोई बदलाव आएगा तो हम लोग यहाँ पास कहेंगे न्यूमेरिकल म्यूटेशन नंबर पे लेकर के बातें होगी अगर क्रमोजोम में कोई छेड़छाड़ हो गई उसके स्ट्रक्चर में खराबी है स्ट्रक्चरल म्यूटेशन या एनसीआरटी को कहेगा क्रोमोजोमल एबरेशन यानी कि क्रोमोजोम में यहाँ से कोई पार्ट टूट गया तो हो गया, या स्ट्रक्चर एक घट गए आपको मालूम है ना डॉन सिंड्रोम क्लाइन फिल्टर सिंह सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम ऐसा होता है और तीसरा इन सी आपसे डिस्कस करेगा पॉइंट म्यूटेशन जो कि ऑलरेडी मॉलिकुलर में डिस्कस हम लोग करेंगे जहां पर केवल एक सिंगल बेस पेयर ओनली वन पेयर के

तो अगर आपके अंदर में कंप्लीट एक सेट को ऐड कर दे एक सेट ऐड कर दे तो थ्री एन हो जाएंगे एक और सेट ऐड कर दे तो आप फोर एन हो जाएंगे या एक सेट को आपको घटा दे एक सेट को घटा दे तो यानी एक कंप्लीट सेट को हटाए या एक कंप्लीट सेट को जोड़े या तो घटाए या तो जोड़े इसे हम लोग क्या कहेंगे यूप्लोइडी इसे क्या कहेंगे यूप्लॉडी लेकिन हमारे पास दो सेट है क्रोमोजोम और उसमें एकाध क्रोमोजोम ऐड करें सेट नहीं सेट मतलब पूरा एन सेट मतलब ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम का एक सेट होता है लेकिन अगर मैं टू सेट है लेकिन एक आध क्रोमोजोम ऐड कर दे एक क्रोमोजोम डिलीट कर दे तो इसे हमें कहेंगे एन यू तो मैंने आपको बताया था आईपीएल वाला क्या आईपीएल में एक टीम आई ये एक सेट है दूसरी टीम आई ये दो सेट है एक टीम और आ गई तो कंप्लीट एक और टीम आ गई तो कंप्लीट यहाँ पर कोई टीम आएगी प्लेयर नहीं कंप्लीट एक टीम आएगी या जाएगी तो ये क्या कहेगी यू रेडी लेकिन अगर एक आध प्लेयर आ गए एक प्लेयर ऐड हो गया या डिलीट हो गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे ध्यान अच्छा से, को को से पढ़िएगा उन्होंने बोला है कि टीलोफेज होगा लेकिन उसके बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा आफ्टर टीलोफेज नो साइटोकाइनेसिस जिससे क्रोमोजोम के नंबर डबल हो जाएंगे और ये प्लांट के अंदर में पॉलिप्लॉडी का केस बनेगा याद रखना पॉलिप्लॉयडी कभी भी

कि अगर प्रॉपर वे में सेग्रीगेशन ना हो इसी का नाम है नॉन डिसजंक्शन यानी क्रोमोजोम का प्रॉपर वे में सेपरेट हो होना तो आपके अंदर इस पंप में आने चाहिए थे कितने 23 क्रोमोजोम गलती से 24 आ गया तो सोचिए क्या होगा अगर 22 आ गए तो देखिए क्या होगा फीमेल के साइड से 23 आपके साइड से 24 तो बन गए बच्चा 47 वाले लाइक द डाउन सिंड्रोम आपके पास में 22 आए और फीमेल के साइड से 23 आए हो गए कितना 45 तो ऐसे आप मान लीजिए कि जस्ट लाइक द टर्नर सिंड्रोम तो देखिए आपके एनसीआरटी ने डिस्कस किया है ट्राइजोमी को लेकर के तो ट्राइजोमी को मैंने यहाँ पर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया एक एन ने बोला है ट्राइजोमी कहा होगा ट्वेंटी फर्स्ट पेयर पे होगा यानी ऑटोसोम पे होगा तो नाम होगा डाउन सिंड्रोम अगर यहां पर मैंने क्रोमोसोम पे किया, XY, एक मेल है एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया तो नाम दे दिया क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम इसी तरह से अपने सुपर फीमेल पढ़ा होगा लेकिन एनसीआर मेंशन नहीं है कि दो एक्स की जगह तीन एक्स आ जाए इसी तरह से सुपर मेल में एक एक्स वाई है एक एक्स्ट्रा वाई आ जाए लेकिन एनसीआरटी में नहीं है इसी तरह से आपने मैंने बताया होगा पटाऊ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम अगर थर्टीन पेयर पे आ जाए तो पटाऊ सिंड्रोम और एडवर्ड आ जा, 18 पे आ जाए जाए पे तो एडवर्ड सिंड्रोम लेकिन एनसीआर में मेंशन नहीं आप एवॉड कर सकते हो आपके एनसीआरटी में मेंशन है मोनोजोमिका का यानी टू एन माइनस वन का, का। एग्जाम्पल कौन सा है ये टर्नर सिंड्रोम है जिसमें टोटल क्रोमोजोम हो जाएंगे फोर्टी फाइव अस क्रोमोजोम को देखिएगा तो हो जाएगा एक्स एन जीरो याद रखिएगा मेल सिंड्रोम नहीं हो सकता क्योंकि एक्स क्रोमोसोम लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है तो जो टर्नर सिंड्रोम है वो एक जीरो यानी वो फीमेल होगी लेकिन स्टेराइल नेचर की होगी रूडिमेंट्री सेक्स ऑर्गन होंगे हाँ और इसके अंदर में सेकेंडरी सेक्शन कैरेक्टर का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा इसी तरह से आपने जब देखा होगा क्लाइंट फिल्टर एक्स वाई है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स आया तो जाहिर सी बात है वाई आने से वो मेल तो बन गया लेकिन उसमें फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे एनसीआर का क्या बोला मस्कुलाइन नेचर का होगा बट उसके अंदर में फीमेल कैरेक्टर भी हो जाएंगे गैनेकोमेस्टिया वाला वर्ड यूज किया गया है इसी तरह से डॉन सिंड्रोम में बोला गया है कि उसके अंदर कॉन्जेनेटल हर्ट डिजीज होगा वर्ड से यानी बचपन से उसको हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम फेस करेगा उसके अंदर में उसके जो माउथ है वो पार्शियली ओपन रहेंगे ना जो पाम होगा हाथ होंगे उसमें लंबी सी दरार होगी ये एनसीआरटी में कुछ ऐसे मेंशन किया है तो आपको देख लीजिएगा उसके जो भी पॉइंट्स को आप नोटिस कर लीजिएगा चलिए इसके बाद में हम लोग आगे में बढ़ेंगे तो यहाँ पास आपको आएगा पॉइंट म्यूटेशन जो कि एनसीआरटी ने ऑलरेडी डिस्कस किया सिकल सेल एनीमिया का तो सिकल सेल एनीमिया में बस आप दो तो तीन बातें याद रखिये अगर आप किसी बच्चे को यह याद है कि नॉर्मल नॉर्मल इंसान के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर में जीएजी बनता है जीएजी बनता है अगर किसी बच्चे को एम आर एन ए पे जीएजी लिखना आता है तो वो बच्चा कभी भी कोडिंग स्टैंड यानी डीएनए में लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो जो एम आर एन ए पे होता है सेम सीक्वेंस आप कोडिंग और उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दोगे तो nah, सिकल सेल लेने हो तो जीएजी की जगह क्यों हो जाएगा यहाँ पर चेंज हो जाएंगे जी यूजी जीएजी की जगह क्या हो गया जी हो गए तो जाहिर सी बात अब आप लिख लोगे जी के जगह पर क्या हो जाएगा जी आएगा यू नहीं होते याद रखिएगा तो यू नहीं होते किसमें? में डीएनए तो यू के जगह पे कौन आ जाएगा बोलो टी आ जाएंगे फिर बाकी सेम रहेगा तो यहां पर आ जाएगा सी ए जी सी हाँ सी ए सी अब यहां पर कौन से माइनस से रहिएगा वैल्यू फिर मैंने आपको पांच बातें बताई होगी कि जो सिकल से करेक्ट क्या क्या फिर यहां पर देखिए यहां पर आपका कोडिंग स्टैंड पे एडनीन नाम का न्यूक्लोटाइट था एडनीन नाम का न्यूक्लोटाइट था ठीक है यहाँ पर टी नाम का आ गया यानी एक प्यूरिन एक में कन्वर्ट होता है तो इट इज एक्साम्पल ऑफ ट्रांसवर्शन इट इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्शन

आ जाए तो ये क्या करेगा कोडोमिनेंसी शो करेगा <coughs> लेकिन कब जब इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो 50 परसेंट आरबीसी इसके सिकल सेप में कन्वर्ट होने लगेंगे जिसे कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगा ऑक्सीजन का सप्लाई होगा नहीं ऑर्गन यानी मिली ब्रेन डैमेज के चांसेस बढ़े जाएंगे तो आरबीसी को जल्दी तोड़ा जाएगा क्योंकि आरबीसी खराब हो रहा है इनका लाइफ स्पान कम होता है तो यहाँ पर एनीमिया होने के चांसेस है लेकिन आज तक ये किसी को नहीं पता चला ये देखिए आपने पढ़ा होगा कि जिसके अंदर में वो अफ्रीका में बेस्ट है इंडिया में बेस्ट नहीं इंडिया में बेस्ट नहीं है वो अफ्रीका में बेस्ट है ना इंसान को मलेरिया होगा ना इसे सिकल सेल एनीमिया होगा तो नेचुरल सिलेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि इनके अंदर में हेट्रोजाइगस वाले कंडीशन आते जा रहे हैं तो तुम बोलोगे सर हेट्रोजाइगस में को डोमेंसी है

किडनी से एबजोबशन कम होंगे किडनी जल्दी पास आउट कर देगा और ये अपने दूसरे पाथवे से टूटने की कोशिश करेगा तो इससे बन जाएंगे फिनाइल एसिड एंड अदर डेरिवेटिव वो लिखना चाहता है फिनाइल एसिड के बारे में तो ये पायरविक एसिड फिनाइल पायरविक और कीटो एसिड में टूटने लगेंगे ये आपके एनसीआरटी को हो गया फिनाइल की एनसीआरटी ने बोला ये ऑटोजोमल डिजीज है ने कहीं भी इसके जीन को मेंशन नहीं किया कि किस क्रोमोजोम पे अगर आप याद नहीं करना चाहते तो मत याद कीजिए चलिए अब इसके बाद में आपको ए, बताया गया होगा कि जो मैक्सिम बच्चे को कंफ्यूजन होता है वो आ, आपके लिंकेज वाले को ये इसको लेकर के होता है तो मैं लिंकेज के लिए अलग से टेन मिनट डिस्कस कर देता हूं तो देखिए अगर आपको याद रखना है कि दो ऐसे जीन से ए एंड बी दो जीन्स से दो तो अलग अलग क्रोमोसोम पे एंड बी दो जीन है जो अलग अलग क्रोमोजोम पे तो इसी को कहेंगे अनलिंक्ड जीन, और जो जीन अनलिंक्ड होगा तो एक फेनोमेन शो करेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हेट्रो जाएगा इसमें कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल भी स्मॉल बी होंगे कैपिटल स्मॉल ए होगा कैपिटल बी स्मॉल बी होंगे ना तो यहां पर देखिए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल ठीक है तो ये जब गैमेट बनाने के जा, जाएंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जा सकता है स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ इट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटमेंट तो दो जीन अलग अलग क्रोमोजोम पे हैं दे विल शो द इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट जब एक पेयर का गैमेट जब एक पेयर का फैक्टर अलग होगा तो दूसरे पेयर पर पे डिपेंड नहीं करेगा ना तो इसी कहेंगे इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट लेकिन यहाँ पे देखिए यहां पर यहां मैंने ले लिया डी नाम का जीन डी नाम का जीन

तो लिंकेज चाहता है कि जो जीन क्रोमोजोम पे मौजूद है वही जीन गैमेट्स में जाए यानी अगले जनरेशन में जाए तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अवॉइड करेंगे तो यही पास मेंडल का आपको एक्सेप्शन भी क्रिएट होता है मेंडल ने बोला कि गैमिट बनाने के दौरान दोनों इंडिपेंडेंट होंगे लेकिन लिंकेज बोलता है नहीं वो डिपेंडेंट होंगे लेकिन अब लिंकेज को लिंकेज किस चीज पे डिपेंड करता है लिंकेज डिपेंड करता है डिस्टेंस पे जैसे कि आपको मॉर्गन वाले एक्सपेरिमेंट बड़ा दिक्कत होता है तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आप यहां एक, एक है, है? पर दो पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं अब बस समझिएगा तो यहां पर मैंने ले लिया कि यहां पर बॉडी कलर यहां पर देखिए अल्फाबेडिकल चलते सबसे पहले बॉडी कलर ये बॉडी कलर बनाने वाला जीन है यहां पर देखिए आई कलर बनाने वाला जीन आई कलर बनाने वाला जीन है और पर को कंट्रोल करने वाला है। है, याद कीजिए मॉर्गन ने तीन किए थे, थे कलर, आई कलर विंग अब देखिए सबसे पहले बी आता है, फिर कौन आता है आता 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 है, है? है। फिर कौन आता है? आता है। तो बॉडी कलर सबसे आगे फिर आई कलर फिर विंग साइज अब देखना ध्यान से आप समझिएगा कि जब आप अल्फाबेट पढ़ोगे तो बी और ए, ए, ए के बीच में अल्फाबेट का नंबर कम होगा लेकिन ई और डब्ल्यू के बीच में अल्फाबेट का नंबर ज्यादा इसलिए मैंने आई कलर और विंग साइज के बीच में दूरी ज्यादा रखी बॉडी कलर और आई कलर के बीच में डिस्टेंस कम रखी। अगर दो जीन के बीच डिस्टेंस कम है डिस्टेंस कम है, तो इसे बोलता है, ये टाइटली जीन है, और, तो और तो यहां पास लूजली लिंक्ड है दूरी ज्यादा लूजली लिंक्ड है तो इनमें लिंकेज का स्ट्रेंथ कम होगा लिंकेज का एक अपोजिट वर्ड है क्रॉसिंग ओवर लिंकेज का अपोजिट क्रॉसिंग ओवर लिंकेज चाहता है कि जो जीन

पर बताइए क्या है डिस्टेंस कम डिस्टेंस कम तो क्रॉसिंग ओवर कम क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे एनसीआरटी ने बोला ओनली वन पॉइंट थ्री परसेंट एनसीआरटी का डेटा पेजम्बर एटी फोर अब जब आप आई कलर तो तो और विंग साइज को देखिएगा तो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर भी ज़्यादा ज़्यादा होगा और होगा क्रॉसिंग तो इनमें आएगा रिकॉमेंडेंट का आ जाएगा थर्टी सेवन पॉइंट टू परसेंट आई बात समझ में तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ेंगे रिकॉमेंडेंट के परसेंटेज बढ़ेंगे लेकिन रिकॉमेंडेंट के परसेंटेज कभी भी मोर देन फिफ्टी नहीं हो सकता आपको कई बार बताया गया पी विल बी दो जीन के बीच में डिस्टेंस है ए एंड के बीच में बीच में डिस्टेंस है लेकिन मैक्सिम क्रॉसिंग ओवर कितना होगा तो answer कभी भी आप डिस्टेंस कितना भी बढ़ा लो फिफ्टी परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि जीन मैपिंग में जब आपने पढ़ा होगा किसने दिया स्टेंट ने तो उन्होंने बोला जितना परसेंटेज मुझे रिकॉमेंडेंट मिलेंगे जितना परसेंट मुझे रिकॉमेंडेंट मिलेगा उतना ही होगा जितना परसेंट रिकॉमेंडेंट उतना ही होगा डिस्टेंस यानी एक परसेंट अगर मुझे रिकॉमेंडेंट मिले तो मुझे मिलेगा एक सेंटी मोर्गन डिस्टेंस या इसी को हम कहेंगे वन मैप यूनिट का डिस्टेंस होगा ना तो इसे ये बच्चे को लगता है कि सर 66 प, ए, 66 सिक्समोर्गन डिस्टेंस है तो परसेंटेज तो 66 आ जाना चाहिए था नहीं क्योंकि तो मैक्सिमम परसेंटेज के 56 सिक्स नहीं करेंगे तो जीन मैपिंग के क्वेश्चन बड़े आसान से होते हैं जैसे कि मैंने बोला जीन मैपिंग क्यों जरूरी है यानी क्रोमोजोम पे तीन जीन है ए है बी है और सी है तो ए और बी के बीच में कितनी दूरी है बी और सी के बीच में कितनी दूरी है और पहले ए है उसके बाद सी है या बी एस सी ए कैसे हम अरेंज करेंगे तो मैंने आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व भी करा के दिया होगा कि देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ होगा कि मान लीजिए ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पर मान लीजिए ए एंड सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो ट्वेंटी है ट्वेंटी है ए और बी के बीच में ट्वेंटी ट्वेंटी और यहाँ पर बी और सी के बीच में एट है तो कैसे अरेंज करेंगे अब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस साल भी क्वेश्चन आया था टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में तो अब सबसे बड़े वाले डेटा को उठा लीजिए ए और सी को ए को उठाया सी को उठाया कितना कर दिया ना परसेंटेज है ट्वेंटी एट परसेंट इकोमेंट तो सेंटीमॉर्गन ट्वेंटी एट बना दिया अब आप यहां पर देखिए वाइड कीजिएगा बी को कहां लिखे बी को आप इधर नहीं लिख सकते बी को इधर भी नहीं लिख सकते अगर बी को आप इस साइड लिख रहे हो इस साइड लिख रहे हो तो सी और बी के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है अगर आप बी को यहां लिखोगे तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा जो कि डेटा में सबसे बड़ा डेटा तो ऑलरेडी उठा रहा है यानी कि आप बीच में ही लिखने की गारंटी है अब सेकंड वाले डेटा ले लो ए और बी के बीच में कितने ट्वेंटी तो बी और सी के बीच में कितना हो जाएगा एट हो जाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा ए बी एन सी लेकिन इसका उल्टा सी बी ए भी तो हो सकता है सी बी ए भी हो सकता है आंसर ए बी सी भी हो सकता है अब दोनों लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट किसी साइड से पढ़ सकते हो तो याद रखिएगा जीन मैपिंग किसने दिया तो याद रखिएगा ये कभी मॉर्गन ने नहीं दिया ये जो भी कॉन्सेप्ट दिया था स्टार्ट इवेंट ने दिया था चलिए अब यहाँ पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है सटन एंड बोवेरी के कॉन्सेप्ट को लेकर स्टार्ट इवेंट को और टी एच मॉर्गन को लेकर के मेंडेलियन वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के तो मैं एक छोटे से उसे ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं देखिए ध्यान से मिंडल रिडिस्कवरी नाइनटीन हंड्रेड में हो चुका है लेकिन मिंडल यही बातें ही फिर से आई कि मेंडल का फैक्टर आखिर लोकेटेड कहां है Mindle का फैक्टर लोकेटेड है अगर मेंडल को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो मेंडल अगर राइट है तो मेंडल का फैक्टर भी है, तो फैक्टर है का फिजिकल लोकेशन बताइए तो यहाँ पास देखिए अब डेट एटीन सिक्सटी फाइव नहीं है डेट कितना है न, in, in 1900. इस टाइम तो तीन बातें हो चुकी है लोगों को लोगों को क्रोमोजोम के बारे में पता चल चुका है लोग क्रोमोजोम के बारे में जान चुके हैं हो चुका है डिस्कवर्ड लोगों को मियोसिस माइटोसिस के बारे में पता चल चुका है कि मियोसिस माइटोसिस कुछ होते हैं याद रखना मैंने बताया था कि मेंडल के टाइम में ये किसी भी चीज को नहीं मालूम था ना क्रोमोसोम ना मियोसिस तीसरी चीज अभी हाई अच्छे माइक्रोस्कोप लोगों के पास अवेलेबल हो गए जिससे वो क्रोमोजोम के डिटेल स्टडी कर सकते हैं तो यही पर दो साइंटिस्ट है सटन एंड बोवेरी याद रखिएगा सटन एंड बोवेरी काम किस पे कर रहे हैं मियोसिस पे सटन एंड बोवेरी काम किस पे कर रहे हैं मियोसिस पे और मियोसिस में देखा कि क्रोमोजोम का बिहेवियर कैसा है तो उन्होंने नोटिस किया, कि किया होगा कि हो तो से अलग हो जाते हैं और गैमेट बनाने के दौरान में ये दोनों जो क्रोमोजोम पेयर के फॉर्म में थे वो अलग अलग चले गए तो कहीं ना कहीं यही बातें मिंडल के लिए भी फैक्टर के लिए के तो था याद कीजिए मिंडल यही बातें तो बोलता था कि देखिए किसी भी ना ऑर्गेनिस के अंदर में कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स है और फैक्टर्स पेयर में फैक्टर्स पेयर में तो देखिये सटन बॉवरी भी तो होल रहे क्रोमोसोम पेयर में और मेंडल बोलता था कि गैमेट बनने में दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे क्या क्रोमोजोम भी तो ऐसे ही हो रहा है तो कहीं ना कहीं सटन बोवेरी को ऐसा लगता था कि मेंडल का जो फैक्टर है वो मेरे क्रोमोजोम से मैच कर रहा है सिमिलेरिटीसो कर रहा है कर रहा है तो हो सकता है कि मेंडल का फैक्टर मेरे क्रोमोजोम पे ही लोकेटेड होगा मेंडल का फैक्टर मेरे क्रोमोजोम पे ही शायद होगा इसलिए आपके एनसीआरटी ने एक टेबल डिजाइन की है कि दे आर प्रेजेंट इन पेयर दे आर प्रेजेंट इन पेयर बच्चे कंफ्यूज है लेकर के तो देखिए लॉजिकल आप सोचिए कि देखिए जीन्स भी पेयर में क्रोमोजोम भी पेयर में मुझे नहीं मालूम कि आ, आ, जो आपका टेबल वन जीन है या क्रोमोसोम है मैं करूंगा। फिर बोलता है कि गैमेट बनाने के दौरान दोनों पेयर अलग हो जाएगा यहाँ भी पेयर अलग हो जाएगा तो बच्चा बोलता है सर सब बातें सिमिलर है यानी जो बातें जीन के लिए एप्लीकेबल है वो बात है के लिए लेकिन थर्ड बातों को आप देखिए थर्ड बातें देखिए एक वर्ड यूज किया इंडिपेंडेंट पेयर ट इंडिपेंडेंटली जबकि यहां पर बोला कि ऑल पेयर कोई भी पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली कर लेगा तो सोचिए जो पेयर जो पेयर यहाँ पर देख लीजिए मैं सिंपल से आपको पहले भी समझाया हूं कि यहाँ पर कैपिटल ए है यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल बी है तो जब कैपिटल ए अलग होगा स्मॉल ए से तो कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी और स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है लेकिन जो जीन लिंग्ड है यानी यहाँ पास कैपिटल डी और स्मॉल डी है तो जो जीन लिंक है जो जीन डिपेंडेंट है लिंक्ड है वो तो लिंकेज कर लेंगे वो तो बोलेंगे भाई साथ में जाएंगे तो यहां पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हो नहीं पाएगा तो केवल और केवल जो अनलिंक्ड अनलिंग जो इंडिपेंडेंट पेयर है ए एंड बी है वही तो केवल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेगा लेकिन ए और डी तो लिंक्ड है वो एक क्रोमोसोम पे है वो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे तो यहाँ पा, वो तो लिंकेज में जा रहे हैं अगर वो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट केवल किसके लिए वैलिड है अनलिंक्ड पेयर के लिए यानी इंडिपेंडेंट पेयर के लिए तो इसे ये पता चलता है कि एनसीआरटी ने जो कॉलम ए में जो मेंशन किया ये इंडिपेंडेंट वर्ड ये केवल जीन के लिए वैलिड है लेकिन क्रोमोजोम के लिए तो सारी बातें वैलिड है डिपेंडेंट पेयर हो इंडिपेंडेंट कोई भी पेयर हो क्रोमोजोम हमेशा इंडिपेंडेंट असॉटमेंट करेगा जीन भी करेंगे लेकिन इंडिपेंडेंट करे, पेयर करेगा ना डिपेंडेंट पेयर वाले यानी वाले नहीं करेंगे तो जीन हो गया और क्रोमोजोम हो गया। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है ये बच्चा समझ नहीं पाता अब ऐसे समझ लो अब अपने आपको क्रोमोजोम मान लो आप अपने आपको क्रोमोजोम मान लो ठीक है मैं एक क्रोमोजोम ये देखिए मैं येलो वाला मैं क्रोमोजोम रेड वाला आप तो मैं जब जाऊंगा तो आप पे डिपेंड कर रहा हूं। क्या आप अपने मैं अपने जब मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा तो सारे जीन मेरे साथ ही तो जाएंगे वो इंडिपेंडेंट नहीं जा सकते क्या जब तुम अपने घर जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन क्लासरूम में रह जाएगा और जो तुम्हारा लीवर है वो होस्टल में जाएगा और जो आपका

थ्योरी ऑफ क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरी वर्ड लिखा है लेकिन पहली बार प्रूफ किसने किया प्रूफ किसने किया तो आंसर कीजिएगा ये टीएच मॉर्गन मोर्गन ने एच मॉर्गन ने इस बात को प्रूफ किया कि मेंडल जिस फैक्टर को बोलता था वो एक्चुअली फैक्टर को पे है, लिनियर में अरेंज है तो याद रखिएगा फिर आपसे पूछा जाएगा वाई मेडल सेलेक्टेड क्यों काम किया तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है इसकी चार बातें लिखा है इसे ग्रो करना बड़ा आसान है लाइफ स्पन दो वीक का दो वीक है लिख देंगे दो मंथ याद रखना एग्जाम में आएगा दो मंथ नहीं दो वीक है सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हो और तीसरा है सिंगल मीटिंग लार्ज प्रोजेनी एक बार मीटिंग करेंगे तो बहुत सारे नंबर बनेंगे और पूरा जेनेटिक्स प्रोबेबिलिटी का खेल है स्टैट्स नंबर ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी अच्छे आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे फिर यहाँ पास आएगा मेल छोटा याद रखिएगा वुमेन में मेल बड़ा फीमेल छोटी होती है में उल्टा कर दो फीमेल बड़ी मेल छोटा आप सेक्स को आइडेंटिफाई दे करके कर सकते हैं फिर हम लो माइक्रोस्कोप से इसके ट्रेट देख सकते हैं तो यहां पर याद रखिएगा कितने कैरेक्टर पे काम किया तीन बॉडी कलर आई कलर एंड विंग साइज बॉडी कलर के दो ट्रेड थे याद करो ब्राउन बॉडी एंड ब्राउन बॉडी एंड येलो बॉडी इस तरह से याद कीजिए आई कलर के दो ट्रेड थे रेड आई एंड द व्हाइट आई विंग साइज के दो थे नॉर्मल एंड मिनिएचर तो ये आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा भी वहां पर बड़ा कंफ्यूजन भी बच्चों को हो जाता है उस एक्सपेरिमेंट को लेकर के तो बॉडी कलर में दो चीजें ब्राउन बॉडी येलो बॉडी ब्राउन बॉडी येलो बॉडी आई कलर में रेड बॉल रेड आई एंड व्हाइट आई विंग साइज में नॉर्मल एंड चलिए, इसके बाद में हम लोग बातें करेंगे अब केवल जो बच गया है वो ह्यूमन जेनेटिक्स वाला पार्ट बच गया है ठीक है अब ह्यूमन जेनेटिक्स वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पास आपसे पेडिग्री वाले क्वेश्चन शायद नहीं बनते तो पेडिग्री वाले में आपको कुछ लॉजिकल पाते मैं फाइव मिनट्स में रिपीट करके कंप्लीट करूंगा क्योंकि मैंने बोला था कि एक घंटे में मैं एक चैप्टर रिवाइज करेंगे शायद अगर थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन जेनेटिक्स के आठ क्वेश्चन आपके बन जाएंगे ये तो क्लियरिटी है तो देखिए यहां देखिये आपको कभी भी पेडिग्री में आप कोई भी पेडिग्री बनाएंगे तो आप सबसे पहले आप पहला केस वन ढूंढने की कोशिश करेंगे कोई भी दुनिया का पेडिगरी हो अगर माँ बाप नॉर्मल दिखे मां बाप नॉर्मल दिखे और एनी बच्चा बेटा हो बेटी हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कोई भी बच्चा अगर डिजीज दिख गया माँ बाप नॉर्मल माँ बाप नॉर्मल नॉर्मल बच्चा कोई डिजीज दिख गया यानी वो पेडिग्री यानी ये केस वन मान लीजिएगा और इस बात ये मान लीजिएगा वो पेडिग्री रिसेसिव वाली है वो कौन सी पेडिग्री है रिसेसिव है वो पेडिग्री डोमिनेंट हो ही नहीं सकती तो पेडिग्री को रिसेसिव वाले पहचानने के सबसे आसान तरीका है कि आपको बस देखना है 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 बाप नॉर्मल बच्चा डिजीज तो वो पेडिग्री कौन रिसेसिव इसका उल्टा केस टू ढूंढिए अगर माँ बाप डिजीज मां बाप डिजीज मां बाप डिजीज और एक भी बच्चा नॉर्मल दिख गया बेटा बेटी फर्क मैं नहीं कर रहा हूं बेटा बेटी में फर्क नहीं पड़ रहा हूं हाँ बेटा बेटी फर्क नहीं कर रहा हूं कोई भी बच्चा अगर नॉर्मल दिख गया तो इसलिए दिख दीजिए केस टू अगर ये ऐसा पूरे पेडिग्री में कहीं दिख पूरे पेडिग्री में कहीं ऐसा दिख जाए तो आप मान लीजिएगा ये डिजीज डोमिनेंट है ये डिजीज कौन है डोमिनेंट तो विद इन सेकंड आप पेडिग्री में पता कर सकते हो वो पेडिग्री डोमिनेंट की तरफ है या रिसेसिव देखिए

ना मां बाप एक डिजीज एक नॉर्मल नहीं मैंने गलत बोला हाँ एक नॉर्मल एक डिजीज एक नॉर्मल एक डिजीज और एक भी बच्चा अगर डिजीज हो जाए एक डिजीज हो जाए तो ये हो जाएगा केस थ्री का केस और केस थ्री में मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता ये डोमिनेंट बीमारी है या रिसेसिव बीमारी है लेकिन मैं थोड़ा क्लू पॉसिबिलिटी दे सकता हूं कि ये ऑटोजोमल डिजीज होने के चांसेस है कौन सा डिजीज होने के चांसेस चांसेस डिजीज होने के है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो पेडिग्री कोई भी बन जाएगा मैं एक पेडिग्री सॉल्व करके दिखाता हूं हूं मैं कर लेता हूं। यहां हूँ यहां पास आपको ऐसा दे रखा होगा ऐसा दे रखा होगा ये माँ बाप ठीक है यहां पर देखिए इनका बेटा है ये बेटी है ये बेटा है ठीक है अब देखिए ध्यान से यहां पास मान लीजिए बेटे को डिजीज है बेटे को डिजीज है मां नॉर्मल है मां नॉर्मल है यहाँ पर देखिए देखिए ध्यान से और यहाँ पर बेटी को डिजीज चलिए मान लीजिए तो अब यहाँ पर आप ए, कुछ भी पे डिग्री ऐसे बना करके दे देंगे कोई भी पे डिग्री आपको ऐसे बना के दे दिया जाएगा तो आप चीजों को समझने की कोशिश करना देखिए ध्यान से अब सबसे पहले यहाँ पर ढूंढ डालो सभी ढूंढ डालो माँ बाप नॉर्मल बच्चा ए, माँ बाप नॉर्मल बच्चा डिजीज माँ बाप नॉर्मल बच्चा डिजीज अगर कहीं ऐसा दिख गया तो ये हो जाएगा केस वन का तो मुझे ऐसा तो दिख रहा है देखिए यहाँ पर माँ बाप नॉर्मल बच्चा डिजीज मुझे दिख गया यानी केस वन का पेडिग्री है ये मुझे केस वन का दिख रहा है अब दूसरे बार केस वन मत ढूंढनी सर यहाँ भी तो केस वन दिख रहा तो है कोई टेंशन नहीं अगर आपको एक ही आएगा अब दो दो केस लगाएंगे तो अलग अलग आंसर आ सकता है तो यहां पर मुझे केस वन मिल गया रिलैक्स हो जाइए अब वहां पर ढूंढिए डिजीज फीमेल को अगर पूरे आपको पेडिग्री में कोई डिजीज फीमेल दिख जाए उसको टिकआउट कर लीजिए मुझे दो ही दिखा अब इस डिजीज फीमेल में दो बातें होनी जरूरी है उसके जो भी पापा होंगे फादर होंगे उनको डिज़ होना मस्त है पापा को होना मस्त है और उसके जितने बेटे होंगे उसको डिज़ होना मस्त है पापा को होना मस्त है और उसके एक जनरेशन नीचे का मेल यानी बेटे को डिज़ होना मस्त है देखिए सर पापा को तो डिजीज है तो ये चीज सब जगह अप्लाई होना चाहिए पूरे पैटेगरी में होना चाहिए देखिए यहाँ पर फीमेल रिसेसिव है लेकिन पापा को डिजीज नहीं है पापा को डिजीज नहीं है

तो हम सर खुश हो गए नहीं ये हर जगह अप्लाई होना चाहिए अप्लाई हुआ सर पापा को डिजीज है बेटे को भी है तो हम कर देते हैं आंसर एक लिंग रिसेसिव नहीं है सर तो हम कर देंगे ऑटोजोमल रिसेसिव चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम डोमिनेंट वाला लेकर के देखिए यहाँ पास अब ध्यान से देखिए यहाँ पास डिजीज ठीक है यहाँ नॉर्मल यहाँ देखिए बेटी को डिजीज बेटी को डिजीज पापा को भी डिजीज ठीक है यहाँ बेटी नॉर्मल ठीक है ठीक है ऐसे बना दिया अब देखिए ध्यान से यहाँ पास भी एक बेटा है एक बेटा है और ये बेटी है ये ठीक है अब यहाँ पास देख लीजिए यहाँ पास ऐसे बना देते हैं यहाँ पर बेटी यहाँ पर बेटा चलिए अब यहां पर देखिए ध्यान से मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ चलिए कर देता तो, हूँ तो क्योंकि तो, कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी दिया है अब मुझे बताइए यहां पर कौन सा केस है कुछ बच्चों को लग रहा है यह सब केस थ्री है एक नॉर्मल एडीज नहीं 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 पहले केस टू ढूंढो ना पहले केस वन ढूंढी तो सर केस वन तो मुझे नहीं दिखा मां बाप नॉर्मल बच्चा नहीं दिखा केस वन नहीं है सर अब केस टू के ढूंढो अगर केस टू नहीं मिलेगा तो केस थ्री से सॉल्व करना केस टू ढूंढो केस टू नहीं मिला तो केस में जाइएगा तो हमें केस टू मिल रहा है देख लीजिए मुझे मिल गया माँ बाप डिजीज बच्चा नॉर्मल मुझे केस मिल गया अगर मुझे केस मिल गया तो मुझे केस अब नहीं ढूंढना है ये गड़बड़ नहीं कीजिएगा सर मुझे केस थ्री मिल गया मैं केस केसत्री से बना नहीं केस टू मिल रहा है मुझे अब देखिए यहाँ पास आपको उल्टी बात है अगर किसी मेल को डिसीज आप टिकॉट कर दीजिए मेल को डिजीज है मेल को डिजीज है मेल को डिजीज कर लीजिए अगर मेल को डिजीज है तो दो बातें उसके मम्मी को डिज होना मस्त है यानी एक जनरेशन ऊपर की फीमेल यानी माँ और एक जनरेशन नीचे की बेटी ए, फीमेल यानी बेटियां यानी कि फीमेल मेल को अगर डिजीज है तो उसकी मम्मी को और उसके बेटियों को डिजीज होना मस्त है अगर ये फॉलो हुआ रूल तो एक सिलिंग डोमिनेंट होगा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा ऑटोजोमल डोमिनेंट तो देखिए मैंने क्या बोला अगर किसी मेल को डिजीज है तो जितने भी बेटियां होंगी और उसकी जो भी माँ होंगी डिजीज होना मस्त है उसकी बेटी को देखो डिजीज नहीं है यानी ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है कट हो गया मुझे पता है ये एक सिलिंग डोमिनेंट नहीं है आंसर हो जाएगा ऑटोजोमल डोमिनेंट किसी बच्चे को यहां से लग रहा है सर यहां पर देखिए ना यहाँ बस तो पर देखिए तो फॉलो कर रहा है क्या फर्क पड़ता है एक जगह कट तो आंसर कट एक जगह कट तो आंसर कट हो चुके हैं सर यहाँ पर देख सकते हो अगर पापा को को डिजीज डिजीज है तो बेटी को नहीं है इसका मतलब ये डोमिनेंट नहीं कर रहा है आंसर आंसर हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट तो ये आप कर लीजिएगा इसी तरह से आप थर्ड केस भी मैं सोल्व करा देता हूं यहाँ देखिए यहाँ पर आपको ऐसा मिला आपको ऐसे मिले ठीक है अब मैं एक थर्ड केस भी सोल्व करके आपको दे रहा हूं ध्यान से सुनिएगा मैंने ऐसा देखा और यहाँ पर ऐसा देखा ठीक है यहां पर मैंने ऐसा देखा ठीक है यहां पर मैं ऐसा देख रहा हूं ठीक है मैंने ऐसे देखा देखिए ध्यान से तो यहां पर आपको क्या केस वन कहीं के दिखता है कि ऐसा दिखा मां बाप नॉर्मल बच्चा डिजीज नहीं दिखा केस वन नहीं क्या केस टू दिखा सर केस टू भी मुझे नहीं दिख रहा है अगर केस वन नहीं मिला केस टू नहीं मिला तो इसका मतलब मैं गारंटी नहीं दिया था मैं बोला था मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो ऑटोजोमल

एक जनरेशन ऊपर का मेल एक जनरेशन नीचे का मेल उसको होना मस्ट है। देख लीजिए अब देखो एक्सिलिंग डोमिनेंट एक्सलिंग डोमिनेंट देखिए तो एक्सिलिंग डोमिनेंट तो में देखिए मैंने क्या बोला था अगर किसी मेल को डिज है तो उसके उसके ठीक है बेटी को और उसके बेटे को डिज होना आ एक जनरेशन ऊपर यानी मम्मी को और एक जनरेशन नीचे फीमेल यानी बेटी को सुना मस्ट है तो हमने जितने भी डिजीज मेल है उसको टारगेट कर लिया टारगेट कर लिया क्या मैंने बोला था उसके मम्मी को डिस होना मस्त है यहां पर मम्मी को नहीं दिखा यानी एक सिलिंग डोमिनेंट नहीं हो रहा है ऐसा नहीं सर एक जगह तो मुझे दिख रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है एक जगह कट तो वो वाला ऑप्शन कट यानी एक डिग्री के दो आंसर पॉसिबल है यही प्रॉब्लम आज का एनसीआर का पे डिग्री नंबर वन वहां पर तीन तीन ऑप्शन पॉसिबल है आप देखिएगा बुकलेट उठा के देखिए नए जितने भी बुकलेट कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है सबने उसके आंसर तीन मेंशन किए हैं ऑटोजोमल है ऑटोसोमल रिसेसिव है एक्स लिंक डोमिनेंट भी है लेकिन एनसीईआरटी ने केवल ऑटोसोमल डोमिनेंट माना है आगे बात समझे तो आप थोड़ा सा कर लीजिएगा अब आपको यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी जेनेटिक डिसऑर्डर आपको दिखेंगे कितने तरह के मेंडेलियन डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर कितने तरह के दिखेंगे तो आपको यहाँ दिखेंगे चार तरह के अगर वो जीन ऑटोसोम पे और डोमिनेंट कंडीशन में तो बीमारी हुई तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज अगर वो जीन ऑटोसोम पे और रिसेसिव कंडीशन में हुआ तो नाम हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे और डोमिनेंट में हुआ तो एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज अगर वो रिसेसिव कंडीशन में एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज तो ये आपको चार बीमारी दिख जाएगी ना तो आपको यहाँ पर देखना है ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव एक्सलिंग डोमिनेंट एक्सलिंग रिसेसिव बीमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आप लोगों को याद होगा नीट में यही क्वेश्चन पूछा भी गया था

डोमिनेंट आपके एनसीआरटी में नहीं है याद करना है तो डिफेक्टिव X याद ये कहा होगा ये आपको होंगे अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्या होता है ध्यान सुनिएगा जैसे पूछता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने दिया कि एक मेल को आ, मेल को डिजीज है मेल को डिजीज है और फीमेल कैरियर फीमेल कैरियर है सिकल सेल एनीमिया के लिए आप क्वेश्चन बना के देखो तो बच्चा क्या कर देता है फीमेल कैरियर एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल ए और इधर डिजीज में लिख देता है एक्स स्मॉल ए वाई गलत ये बहुत बड़ा मिस्टेक है अब मैंने क्वेश्चन ऑटोसोमल रिसेसिव का दिया और आपने रूल कौन सा लगा दिया एक्स एक्सलिंग रिसेसिव वाला याद करो आपने हीमोफीलिया वाला लेकर सॉल्व कर दिया जबकि बीमारी तो ऑटोसोमल है आपने जीनोटाइप गलत लिखा आंसर गलत आने वाला याद करो ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था तो सब बच्चे ने ऐसे ही सॉल्व कर दिया तो जैसे ही ऑटोसोमल रिसेसिव वाली बीमारी आए फीमेल कैरियर है कैपिटल स्मॉल लिख दीजिए मेल डिजीज है स्मॉल स्मॉल लिख दीजिए तुरंत सॉल्व आउट कर दीजिए यही क्वेश्चन हिमोफिलिया के लिए आए मेल को डिजीज है तो अब लिखिए एक्स स्मॉल ए वाई फीमेल कैरियर है एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल तब आप लिखिए जैसा जीनोटाइप बोलेगा वैसा ही लिखा इसलिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मेल कैरियर हो सकता है बीमारी के लिए मेंडेलियन मेंदेलिय... मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए तो बच्चा बोलता है नहीं क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम गलत बात मेल कैरियर हो सकता है ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए क्योंकि मेरे अंदर भी ऑटोसोम पेयर में है एक फीमेल में भी पेयर में क्या मेरे अंदर कैपिटल स्मॉल ही नहीं हो सकता हो सकते हैं हाँ मेरे अंदर एक्स लिंक रिसेसिव कैरियर नहीं हो सकता क्योंकि मेरे अंदर एक ही एक्स है वाई एक ही होगा भी कैरियर नहीं हो सकता तो याद रखेगा लिंग रिसेसिव, रिसेसिव के लिए हो सकता है ये कॉमन मिस्टेक होता है मैं जैसे ही बच्चे से पूछता हूं वो बच्चा ये गड़बड़ करके आता है तो इस पर थोड़ा सा देखिएगा फिर आपसे पूछा जाएगा ठीक है कि स्ट्रक्चर म्यूटेशन शायद मैंने स्किप किया था वहां पर जल्दी से तो आपसे पूछा गया होगा क्राइडू चैट तो याद करिएगा कि ये क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर फित नं, फित नंबर फिफ्थ है इसका एक शॉर्ट आर्म है एक लॉन्ग आर्म है नीट में क्वेश्चन आया शॉर्ट आर्म को स्मॉल पी कहते हैं लॉन्ग आर्म आर्म को स्मॉल क्यू कहते हैं पी मतलब बेटा तो है तो पर होता क्या शॉर्ट किसी तरह से कट हो जाता है शॉर्ट आर्म कट हो जाता है तो बच्चा फिफ्थ नंबर का क्रोमोजोम शॉर्ट आर्म कट हो जाएगा इसी को एक बीमारी कहते हैं क्राइडू चैट हालांकि बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बच्चा बिल्ली की तरह रोने लगता है इसी को कहते हैं हम लोग कैट लाइक क्राइट फिर आपसे एक वर्ड पूछा जाएगा इन्वर्शन जिसमें क्रोमोजोम का कोई सेगमेंट कट होगा कट होने के बाद में 180 एट्टी डिग्री पे रोटेट करेगा और रीज्वाइन होगा लेकिन अगर इसमें सेंट्रोमियर वाला पार्ट इन्वॉल्व हुआ तो नाम देंगे पेरी सेंट्रिक पेरी सेंट्रिक अगर इन्वॉल्व नहीं हुआ तो क्या नाम देंगे पैरासेंट्रिक सेंट्रोमियर है Involved है, आई involved नहीं है ये मतलब चलिए फिर आपसे क्वेश्चन जाएगा पे में क्या होता है ये ये ना है देखिए क्रोमोसोम का और ये मान लीजिए आपका ट्वेंटी सेकंड पेयर है ट्वेंटी सेकंड पेयर है सेकंड है तो देखिए आपने पढ़ा है क्या क्रॉसिंग ओवर के बारे में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है एक्सचेंज ऑफ डीएनए बिटवीन सेम होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज ऑफ डीएनए बिटवीन सेम होमोलोगस क्रोमोसोम लेकिन अगर गलती से अगर गलती से येलो वाला पार्ट यहां से कट होकर के यहां जाए येलो वाला आ जाए और व्हाइट वाला यहां जाए व्हाइट वाला यहां जाए तो यहां पे एक्सचेंज हो गया बिटवीन नॉन होमोलोगस पेयर इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन और यही रीजन है कैंसर का याद कर अपने क्वेश्चन एक बनाया बनाएगा सीएमएल क्रोनिक ल्यूकेमिया या आपने पढ़ा होगा ट्वेंटी सेकेंड क्रोमोजोम को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं जिसके ट्रांसलोकेशन से ये लिखविया होता है और प्रीवियस ईयर में एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था ये देखिए जो आपका नाइन्थ नंबर क्रोमोजोम जो जीन्स है ये सब मिलकर के एक लिंकेज ग्रुप बना दिया तो नाइन्थ पे सेमी क्रोमोजोम तो होंगे ये सेम लिंकेज ग्रुप है नाइन्थ जो क्रोमोजोम है वहां पर दो क्रोमोजोम है पेयर में दोनों पे तो सेम क्रोमो जीन है तो दोनों सेम लिंकेज ग्रुप है जबकि ट्वेंटी सेकेंड वाला देखिए वो भी पेयर में सेम लिंकेज ग्रुप है तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ यहाँ पर आपके पास कितने लिंकेज ग्रुप हो गए जितने पेयर उतना लिंकेज ग्रुप लेकिन मेल में क्या होता है एक एक्स होता है अलग तरह के जीन Y में अलग तरह के जीन एक्स अलग लिंकेज ग्रुप वाई अलग लिंकेज ग्रुप और ऑटोजोम सबके सब एक समान है तो 22 के तो के पेयर लिंकेज ग्रुप एक हो गया वाई कितने हो गए मेल में चौबीस फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम एक समान है तो दोनों एक ही तरह का लिंकेज ग्रुप बनाया तो कितना हो जाएंगे हुन फीमेल में ट्वेंटी थ्री तो मैं क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर में जो एक्सचेंज होता है किसके बीच में होता है सेम लिंकेज ग्रुप

एक्सक्रोमोजो के जीन की केवल जरूरत है तो दूसरे एक्सक्रोमोजोम के डीएनए को वो हाइड्रोक्रोमाटाइज कर लेगी इनएक्टिव कर लेगी और वो अपने आप को को कर 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 लेंगे, तो 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 जब हम लोग डालेंगे, डालेंगे तो ये डार्क कर लेगा, तो ये लेगा जो हो गया इसी कहेंगे का कितना है? टोटल एक, एक नॉर्मल फीमेल में दो एक्स क्रोमोजोम एक इनएक्टिव कर लिया तो कितने हो जाएंगे? वन मेल में एक ही एक्स क्रोमोजोम है वन माइनस वन करेंगे तो कितना होगा में मिला होगा अगर किसी मेल को डॉन सिंड्रोम है तो बार बॉडी कितना होगा तो देखिए सिंड्रोम पे हुआ है मेल बॉडी होंगे उसके अंदर में टू माइनस वन कितना हो जाएगा वन आंसर आएगा ये कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं तो मैं आप मैं बीस क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप ईमानदारी से ये बीस क्वेश्चन करने की कोशिश करना

फिर मैंने आपको बोला मेंडल का जो भी वर्कआउट था वो पब्लिश कब किया गया ठीक है के वर्कआउट को रीडिस्कवर्ड कब किया गया मेंडल के रीडिस्कवरी के लिए तीन साइंटिस्ट कौन कौन रिस्पॉन्सिबल थे फिर मैंने आपने पूछा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल कौन कौन है को के एग्जाम्पल कौन कौन से वट इज अल्टीपल एलील अगर मल्टीपल एलील है एक के दो हैं, तो उसके एग्जाम्पल कौन है फिर यहां पर मुझे बताइए कि जो ब्लड ग्रुप में कितने तरह के जीनोटाइप फिनोटाइप पॉसिबल है ब्लड ग्रुप कितने क्या शो करता है कंप्लीट डोमिनेंसी या कोडोमेंसी या इन इन इनकम्प्लीट डॉमिनेंसी या इनमें से दो आंसर हो सकते हैं फिर मुझे बताइए ब्लड ग्रुप के जो तीन एलियन है तीनों एलियन को पढ़ने के लिए मुझे किस पे स्टडी करना पड़ेगा एक ह्यूमन गैमेट पे ह्यूमन मेल पे या ह्यूमन पॉपुलेशन पे चलिए फिर मैंने बोला कि पीलियोट्रॉपी क्या होता है एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर बता रखा है एक्साम्पल बताइए का फिर मुझे बताइए कि ऐसा बताइए कि जब एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहे हैं पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल आपसे पूछा है आप एग्जाम्पल बताइए और मैं पूछ रहा हूं हुमन स्किन कलर का जो सिक्सटी बनते हैं ट्राहाइब्रिड की तरह उसका रेशियो बताइए मैंने आपसे आप डिस्कस किया है फिर बताइए कि ये क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये किस साइंटिस्ट ने दिया था 1992 याद कीजिए मैंने आपको बताया किस साइंटिस्ट ने बताया था कि जो जीन्स है फैक्टर्स है वो क्रोमोजोम पे लिनियर ऑर्डर में अरेंज है

कॉन्सेप्ट आता है zw zz का कॉन्सेप्ट आता है कहां पर x xx और x0 का कॉन्सेप्ट आता है चलिए फिर मैंने आपसे पूछा कि हैंकिंग नाम का साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर्ड किया था और किस से ये रिलेटेड ये बातें करता है चलिए इसके बाद बताइए कि ट्राइजोमी का मुझे कुछ एग्जांपल्स बताइए फिर मुझे बताइए कि डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम पे ट्रिपलिंग हो जाता है फिर मुझे बताइए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाते हैं फिर मुझे बताइए कि टर्नर सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम की कमी हो जाती है चलिए फिर मुझे बताइए कि पॉलिप्लाइडी का रीजन क्या है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एनसीआरटी का लाइन भी है फिर मुझे बताइए कि ड्यू टू नॉन डिस्टंक्शन कौन सा प्रॉब्लम होगा ये पॉलीप्लाइडी हो जाएगा या आपका एन्यूप्लाइडी में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर मुझे बताइए कि जो आपका सिकल सेल एनिमिया है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है ऑटोसोमल डोमिनेंट है चलिए मुझे बताइए हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस इज द एग्जांपल ऑफ फिर मुझे बताइए जो सिकल सेल एनीमिया में किस क्रोमोसोम की खराबी होती है तो आपको याद है थैलेसीमिया वाला मैंने नहीं बताया था याद रखिए थैलेसीमिया के केस में क्या होता है ये क्रोमोसोम नंबर 16 है और 16 पे दो पेयर ऑफ जीन है ये पेयर 1 है ये पेयर 2 है एचबीए1 एचबीए2 इसलिए लिखा है चार जीन से, यानी नहीं हुआ अल्फा चेन नहीं बनेंगे अल्फा चेन नहीं बनेगा अल्फा चेन नहीं बनेगा तो यहाँ पर अल्फा चेन नहीं बनेंगे तो अल्फा चेन नहीं बनेगा तो क्वांटिटी का प्रॉब्लम आ गया जबकि सिकल एनीमिया में बनते थे वो अल्फा का तो प्रॉब्लम ही नहीं एनीमिया यहाँ पर प्रॉब्लम किसका था

थैलेसीमिया अल्फा थैलेमिया किससे कंट्रोल हो रहा है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन अगर केवल आपसे पूछा जाए सिकल सेलेनिमिया ना या बीटा थैलेसीमिया तो आप थैलेसीमिया केवल लिख दिए क्या लिख दिए थैलेसीमिया काउंट कीजिए तो आपको टोटल लेटर कितने दिखेंगे वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन तो ये जो बीटा थैलोसीमिया है वो नंबर क्रोमोसोम से होगा इसी जीन की खराबी से तो सिकल सेल एनीमिया भी होती है तो मुझे एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप मुझे ऐसा लेक्चर बनाना चाहिए और बनाना चाहिए तो क्या फास्ट करना चाहिए स्लो करना चाहिए या उसमें क्वेश्चन एड करने चाहिए या केवल हम क्वेश्चन का रिवीजन करें तो मुझे ये फर्स्ट लेक्चर है ये इस सीजन का फर्स्ट लेक्चर है तो मुझे थोड़ा सा एक मिल जाएगा तो मैं वैसा मॉडिफाई कर दूंगा अगर मुझे चाहिए शॉर्ट टाइम में शॉर्ट कर सकते हैं आधे घंटे में कर सकते हैं या फिर कुछ इसमें और भी चाहिए हम करेंगे तो ठीक है थैंक यू बाय बाय